हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आज इस दो पाइप के बारे में बताने वाला हूं। एक का नाम है एमआर इक्वलाइजिंग पाइप और बीसी इक्वलाइजिंग पाइप। तो जानते हैं, देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये अभी एक ट्रेन है, एक सिंगल लोकोमोटिव है WAP4, तब तो ये ट्रेन सिर्फ ये दो पाइप पर काम कर लेगी, BP ब्रेक प्रेशर पाइप और FP फीड पाइप। लेकिन इन केस ये लोकोमोटिव किसी कभी कभी आपने देखा होगा, दो ट्विन लोकोमोटिव लगते हैं, एक होता है लीडिंग लोकोमोटिव, एक होता है ट्रेलिंग लोकोमोटिव। ट्रेलिंग पीछे की तरफ होता है, लीडिंग आगे की तरफ होता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसके आगे एक लोकोमोटिव लग जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं लीडिंग लोकोमोटिव। तब ट्रेन कैसे चलेगी? तो देखिए, समझिए, अगर आगे कोई लोकोमोटिव, कभी कभी आपने देखा ही होगा कि ट्विन लोकोमोटिव होते हैं, तो लोकोमोटिव में जो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं वो लीडिंग लोकोमोटिव में लगते हैं, ट्रेलिंग में नहीं लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो लीडिंग लोकोमोटिव जैसा जैसा काम करेगा, हूबहू जो पीछे वाला लोकोमोटिव होता है ट्रेलिंग लोकोमोटिव, वो भी काम करता है सिर्फ इस दो पाइप की वजह से, जिसमें से एक पाइप है उधर वाला, जिसे कहते हैं BCEQ पाइप। देखिए, ये BCEQ पाइप क्या करता है, ये दोनों पाइप का काम संभाल लेता है। ब्रेक प्रेशर पूरे ट्रेन में लगा देगा, एक लोकोमोटिव लगाएगा तो ये भी सेम काम करेगा और पीछे ट्रेन में लगते चले जाएगा, और फीडिंग पाइप मतलब जितने भी काम होते हैं। फिर आता है दूसरा MREQ पाइप। अब MREQ पाइप क्या होता है कि दो लोकोमोटिव में क्या होता है कि कंप्रेसर प्रेशर बनता है। कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पीछे वाला लोकोमोटिव अलग प्रेशर जनरेट करेगा, आगे वाला अलग प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो सेम कंप्रेसर जो है दोनों लोकोमोटिव में एक ही प्रेशर बनाए, जिसका काम करता है MREQ और सब पूरे ट्रेन में उस प्रेशर को सप्लाई कर देता है। तो आशा है कि आपको MREQ और BCEQ पाइप का डिफरेंस समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। और एक ट्रेन मेरी आ चुकी है, कटरा कामाख्या एक्सप्रेस, जिससे मैं आगे कामाख्या की जर्नी करने वाला हूं। और आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके इस चैनल पे जर्नी आने वाली है, जो भी आप लोग देखते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।